हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो पेट्स इन फॉर्मर में, और ख़ासकर ये वीडियो उनके लिए है जिनको बच्चे मोटे नहीं चाहिए, फुले हुए नहीं चाहिए, जिनको एक्चुअली प्योर जर्मन शेफर्ड चाहिए क्वालिटी में एंगुलेशन के साथ। ये वीडियो खासकर उन कस्टमर्स के लिए है, और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम लोग पपीज़ जब घर लेके आते हैं उस टाइम पे हम लोग जो गलती करते हैं उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन, आप फिटिंग कैसे करें वो बताएंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए, और एक ही फ्रेम में आपको मदर, फादर एंड दो पपीज़ जो हमारी फीमेल है वो भी आपको दिखी जाएंगे। आप बच्चे का टेल देख सकते हैं, बच्चे का बोन क्वालिटी, एंड मदर फादर आप देख ही रहे हैं सामने। तो बात करते हैं हम आपकी पपीज़ जब हम लोग घर लेके आते हैं उसके बाद में हम लोग सोचते हैं कि यार पपीज़ को ज़्यादा फीडिंग करवाएंगे या ज़्यादा खाना देंगे तो उन लोगों का हेल्थ थोड़ा ज़्यादा अच्छा जाएगा। नहीं, ये गलत सोच है। पपीज़ को फीडिंग उतना ही दीजिए जितना उसको ज़रूरत है। पेट फुलाने के लिए या बच्चे को फुला हुआ दिखाने के लिए ज़्यादा फिटिंग ना करवाए, ताकि उसको डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम हो जाए, डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उसके बाद पॉटी ख़राब करने लगेगा या फिर वॉमिटिंग भी हो सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और हम प्रेफर करेंगे कि 45 डेज़ के बाद से ही आप लोग एक मल्टीविटामिन और एक कैल्शियम का वो रन करना चालू करें। डीवर्मिंग बहुत टाइमली होना चाहिए जब पपीज़ जब बहुत छोटे रहते हैं, उस टाइम में हम लोग 15 डेज का गैप में डीवर्मिंग करते हैं, और जब पपीज़ 3 महीना के हो जाते हैं उसके बाद वो जो ड्यूरेशन है 15 डेज का वो 30 डेज हो जाता है। तो और मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देता हूँ वो मैं किसी भी कंटेंट बनाने के लिए या फिर कुछ भी वीडियो डाल देने के लिए मैं नहीं देता हूँ। प्रैक्टिकली मैंने यूज़ करने के बाद में मुझे जहाँ पे रिज़ल्ट दिखते हैं, जिस प्रोसेस में मुझे रिज़ल्ट दिखते हैं, मैं वही नॉलेज आप लोग को भी शेयर करना पसंद करूँगा। तो आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ। वो कोई भी मेडिसिन हो सकते हैं या फिर कोई भी डॉग्स के इशूज़, कोई भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आ जाइएगा, बताइएगा। स्वस्थ रहिए। Thank you.